हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल गेमिंग यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, आज मेरे पास इंडियन गेमिंग कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज है आप सभी लोगों के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहली न्यूज है स्काउट को लेके। तो गाइज, स्काउट कल जब लाइव थे तो वो वॉरजोन के कस्टम्स खेल रहे थे, तो स्काउट ने बताया कि वो आपसे डेली वॉरजोन के कस्टम्स खेलेंगे और वीकेंड्स पे टूर्नामेंट भी होगा, और जो टूर्नामेंट होंगे वॉरजोन के उसके विनिंग प्राइस पूल भी रहने वाला है। ये वॉरजोन का टूर्नामेंट कब होता है? न्यूज है सांगवान को लेके। तो सांगवान कल जब लाइव थे उनसे पूछा गया कि उनकी पहली यूट्यूब इनकम क्या आई थी, तो उन्होंने बताया क्योंकि पहली यूट्यूब इनकम थी $160। अपनी अगली न्यूज है वो भी सांगवान को लेके। तो सांगवान से बोला किसी ने कि आपकी परफॉर्मेंस क्यों अच्छी नहीं आ रही है कस्टम्स के अंदर, तो सांगवान ने बोला कि अभी भी हमारे प्लेइंग फोर डिसाइड नहीं हुए हैं और हम अभी बूट कैंप पे भी नहीं है, तो कोई भी अच्छे से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सांगवान ने बताया कि जब प्रॉपर फोर मैन लाइनअप डिसाइड हो जाएगी और वो बूट कैंप पे चल जाएंगे तो परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये गाइस जीएक्सआर को लेके। तो गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को बताया था कि जीएक्सआर की तरफ से अपन को एक न्यू कॉम्पिटेटिव लाइनअप देखने को मिलने वाली है। तो गाइस, मैं आप सभी को बता दूं, कुछ हिंट्स ऐसे आ रही है कि जो GXR की जो न्यू गेम कॉम्पिटिटिव लाइनअप होने वाली है वो फ्री फायर के अंदर होने वाली है। तो लेट्स सी कि गाइस, देखते हैं कि GXR कब तक ऑफिशियली अनाउंस करता है कि कौन से गेम के अंदर उनकी लाइनअप होने वाली है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अपन 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब है। आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो इस चीज को कंप्लीट करने में, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक्निकल गुरुजी को लेके, अगर गाइस आप टेक्निकल गुरुजी को फॉलो करते हो तो आप सभी को पता ही होगा कि बहुत दिनों से टेक्निकल गुरुजी पबजी मोबाइल इंडिया के टॉपिक पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। मेनली वो हर वीडियो के अंदर अपने पबजी मोबाइल इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, आप सभी को बताना चाहता हूं, टेक्निकल गुरुजी को पता नहीं कौन सा ऐसा सोर्स मिल रहा है जिससे वो कुछ भी उठा के कुछ भी डाल देते हैं और कुछ भी बता देते हैं वीडियो के अंदर। कल की लास्ट टेक टॉक्स की वीडियो में उन्होंने ये बताया कि जो NCPCR है उन्होंने मना कर दिया है, वो नहीं चाहते कि पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर आए। तो मैं आप सबको बता दूं, ये 1.5 महीने पुरानी न्यूज टेक्निकल गुरुजी ने कल की वीडियो में कवर करी, क्योंकि उनको और कोई न्यूज मिली नहीं तो उन्होंने पुरानी न्यूज कवर करी। और गाइस, मैं आपको सभी को बता दूं, जो NCPCR है उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला था कि वो पबजी मोबाइल को इंडिया में लाना ही नहीं चाहते। उन्होंने अपना पॉइंट रखा था कि कोई भी अगर गेम आता है इंडिया के अंदर तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। उन्होंने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी थी, मगर गुरुजी को तो कुछ भी बोलना है पबजी मोबाइल के बारे में। कोई भी जो आर्टिकल्स होते हैं तो फेक न्यूज डाल देते हैं रिलेटेड टू पबजी मोबाइल, वो भी टेक्निकल गुरुजी न्यूज कवर कर लेते हैं और बता देते हैं कि ऐसा हो सकता है, सच है। गाइस, आप सभी का क्या कहना है कि टेक्निकल गुरुजी सही कर रहे हैं नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक न्यूज़ है गाइस क्रॉन्टन को लेके। तो गाइस, क्रॉन्टन ने बताया कि जो भी माइनक्राफ्ट सर्वर के लिए रिक्वायरमेंट है, जो भी पीसी की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने सब कुछ ऑर्डर कर लिया है और उनके पास आ गया है। तो क्रॉन्टन ने बताया कि टोटल उनका 2 लाख का खर्चा हो गया है इस माइनक्राफ्ट के सर्वर बिल्ड करने में। तो क्रॉन्टन ने बोला ये सब वो इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इंडिया के अंदर किसी का खुद का एक सर्वर हो जिसकी मदद से प्लेयर्स उसको अच्छे से खेल पाए और पिंग कम आ पाए। तो क्रॉन्टन ने यह भी बोला कि उनकी सर्वर से कुछ भी अर्निंग नहीं होने वाली, बस वो एक माइनक्राफ्ट कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। अपनी अगली न्यूज़ गाइस मांबा को लेके। तो गाइस, मांबा ने बताया कि उनको एक बहुत बड़ा डिसीजन ये लेना है कि या तो वो अपने बूट कैंप पे रहे या फिर वो अपने घर पे रहे, क्योंकि उनको अपने घर पे भी रहना और बूट कैंप पे भी रहना है, क्योंकि घर पे उनको अपनी फैमिली को संभालना, छोटे मोटे काम में हेल्प करनी है, और वो बूट कैंप पे भी रहना चाहते हैं क्योंकि थग और गोल्डी भाई ने पूरा सब कुछ सेटअप कर रखा है। तो मांबा ने बोला कि इन फ्यूचर वो बहुत जल्दी डिसाइड करने वाले हैं कि वो क्या कुछ करते हैं। तो गाइस, देखते हैं कि मांबा की तरफ से क्या डिसीजन आता है। अपनी अगली न्यूज़ गाइस स्काउट को लेके। तो गाइस, स्काउट ने इंस्टाग्राम पे लिखा हाय गोवा। तो गाइस, ऐसा हो सकता है कि स्काउट अभी गोवा जा चुके हो और अपन को व्लॉग्स देखने को मिले, और ये भी हो सकता है कि स्काउट गोवा जाने वाले हो। तो लेट्स सी कि स्काउट की तरफ से इससे रिलेटेड और क्या अपडेट आते हैं। अपनी अगली न्यूज़ गाइस फ्री फायर को लेके। तो गाइस, फ्री फायर के अंदर जो बर्मुडा मैप है उसको टेम्परेली रिमूव कर रही फ्री फायर, और वो 17 जनवरी के बाद टेम्परेली रिमूव हो जाएगा। अपनी अगली न्यूज आती है गाइस इंडियन टीम्स को लेके। तो गाइस, इंडियन टीम्स में से कौन सी सबसे पहली टॉप टीम है जिसकी अर्निंग 2020 में अर्निंग टॉप पे रही है? तो गाइस, पहले पे आती है अपनी ओआ जिसकी अर्निंग थी टोटल $91,000, और सेकंड पे आती है TSM जिसकी अर्निंग थी $80,000, और बाकी के कौन कौन से नंबर पे टीम्स आती है वो आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे। अपनी अगली न्यूज़ गाइस फ्री स्टाइल ई स्पोर्ट्स को लेके। तो गाइस, आप सभी को नहीं बता तो मैं आपको बता दूं, फ्री स्टाइल ई स्पोर्ट्स पाकिस्तान ई स्पोर्ट्स है, और फ्री स्टाइल के जो ई स्पोर्ट्स के जो लाइनअप थी प्लेयर्स है उन्होंने फ्री स्टाइल ई स्पोर्ट्स को छोड़ दिया था और उन्होंने अब ज्वाइन कर लिया है पोर्टल ई स्पोर्ट। यही थी आज के लिए कुछ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी न्यूज़। में उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो बहुत ज़रा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर डेली गेमिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो गाइस, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन स्प्रेड पॉजिटिविटी।